दोस्तों नमस्कार, सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, वे भी घर पे हैं और देश तथा प्रदेश वासियों से उन्होंने अपील की है कि आप सभी घर पे रहें। मैं अपने देश और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि मुश्किल की इस घड़ी में संयम, साहस और एकजुटता का परिचय लोग सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी लॉकडाउन का पालन शक्ति से कर रहा हूं, इसलिए शारीरिक रूप से अपने प्रदेश के वासियों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन दिल से मैं एक एक की भावना और एक एक के दिनचर्या के साथ जुड़ा हूं। प्रदेश एवं शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे जनता की परेशानियों को कम किया जाए, व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रंटलाइन के हमारे योद्धा, चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, चाहे हमारे पुलिस कर्मी हो, शासन के हमारे कर्मचारी हो, सबको मैं अपने दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। वाकई में ये हमारे योद्धा हैं इस युद्ध में। मेरे प्रदेश, देश और अंचल इस महामारी के संकट से बचा रहे, यही मनोकामना मैं ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद। पांच बड़ी खबरें हैं आप सभी से जुड़ी हुई, प्रदेशवासियों से जुड़ी हुई। पहली जानकारी है, प्रदेश के 21 लाख किसानों से गेहूं खरीदेगी शिवराज सरकार। दूसरी जानकारी है, गेहूं खरीदने के लिए बने हैं नियम, बेचने से पहले जान लें नियम ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीसरी जानकारी है, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अभी तक आपको नहीं मिली है तो इन नंबरों पर करें कॉल, अधिकारीगण आपके खाते में सुधार करके राशि जल्द भेजेंगे। चौथी जानकारी है, प्रदेश के इन लोगों के खातों में सरकार भेज रही है पैसा, जानते हैं वे कौन लोग हैं और कितना पैसा भेजेगी। पांचवी जानकारी है, प्रदेश में आवागमन के लिए ई पास सुविधा शुरू की है शिवराज सरकार ने। मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे ई पास ले सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लॉकडाउन में किसानों को राहत, प्रति किसान रबी फसल की खरीदी 25 से बढ़कर हुई 40 कुंटल, यानी एक किसान अपनी फसल 40 कुंटल तक बेच सकता है। केंद्रीय कृषि विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। कोरोना लॉकडाउन के कारण किसानों की परेशानी को देखते हुए मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अधिकारियों के साथ बैठक में कई राहत कदम उठाए हैं। बैठक के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि सरकारी एजेंसियों की ओर से अनाज की खरीदारी बढ़ाते हुए रबी की फसल प्रति किसान 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी गई है, यानी अब आप 25 क्विंटल के बजाय 40 क्विंटल तक अपना गेहूं सरकार को बेच सकते हैं। इसके साथ ही किसानों के उत्पाद की खरीदी की रिपोर्ट मिलने के 3 कार्य दिवस में भुगतान कर दिया जाएगा, अर्थात आपको खरीदी के 3 दिन बाद सरकार पैसा दे देगी। दूसरी जानकारी है, 15 अप्रैल से शुरू होगी किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। प्रदेश के 48 जिलों में 4305 खरीदी केंद्र बनाए हैं सरकार ने। 21 लाख किसानों को SMS के माध्यम से बुलाया जाएगा खरीदी केंद्रों पर। इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिलों को छोड़कर बाकी सभी 48 जिलों में खरीदी केंद्र शुरू हो चुके हैं और यह 15 अप्रैल से चालू हो गए हैं। 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी हो रही है, किसानों को मिलेगा उनकी उपज का पूरा दाम, सीएम शिवराज ने ऐलान किया है। प्रदेश के 21 लाख किसानों को SMS से मिलेगी उपज की खरीदी के समय और तारीख की जानकारी, मतलब आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका दिन और आपका समय लिखा रहेगा। खरीदी के लिए नियम बने हैं, जान लेते हैं। गेहूं लाने वाले वाहन में 2 व्यक्ति से ज़्यादा ना बैठें। यदि आप ट्रैक्टर से ला रहे हैं तो आप खुद और ड्राइवर, बस 2 ही आदमी गेहूं खरीदी केंद्र पर पहुंचेंगे। दूसरा नियम है, शारीरिक दूरी का पालन करें। बुजुर्ग व्यक्ति को फसल बेचने के लिए ना भेजा जाए। यदि कोई अन्य व्यक्ति परिवार में नहीं है तो किसी को नामांकित किया जा सकता है। ये सभी नियम आप ध्यान रखें। एक दिन में एक केंद्र में सिर्फ 6 किसानों को बुलाया जाएगा। खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आपस में कम से कम 3 मीटर की दूरी रखते हुए काम किया जाएगा। चुनाव की तरह संवेदनशील केंद्र भी चिन्हित कर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। ये CM शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केंद्रों में मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था रखी जाए और किसानों का टेम्परेचर नापने के लिए भी
इंस्ट्रूमेंट रखा जाए। तो इस प्रकार से नियम होंगे, आप जान लें ताकि खरीदी केंद्र पर जाने से पहले आपको पता रहेगा कि ये सुविधाओं से हमको गुजरना होगा। अगली जानकारी है, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अभी तक आपको नहीं मिली है तो आप इन नंबरों पर कॉल करें, क्योंकि 2000 रुपये मिलते हैं, बहुत काम के होते हैं। कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार ने 8.31 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 16,621 करोड़ रुपए की मदद दी है, लेकिन कुछ लोग इस सुविधा का लाभ लेने से छूट गए हैं। ऐसे लोगों के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वे हेल्पलाइन नंबर हैं 1552561 या फिर 1811-55-26। इन पर आप बात करें, इन नंबरों पर बात कर आप जान सकते हैं कि कैसे आपके खाते में ये राशि आएगी या फिर इसमें क्या अवरोध आ रहा है। अधिकारीगण आपको बताएंगे कि क्यों अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, उसका वो हल भी देंगे और आप किसान सम्मान निधि की राशि पा सकते हैं। मैं बार बार आप सभी को बोलता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। अगली जानकारी है, सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए ई पास सुविधा शुरू की है जो कोरोना वॉलेंटियर बनना चाहते हैं या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अभी रह रहे हैं और वे अपने घर पर आना चाहते हैं तो ई पास सुविधा से वे अपने घर पर जा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा नागरिकों संस्थाओं से जिले के भीतर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई पास प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, आप इसका लाभ उठाएं। उसके लिए वेबसाइट है https://mepid.government.in/covid-19। इस पर आप जाएंगे, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और ई पास बनवा लें। अगली जानकारी है, सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि मेरे मजदूर बहन भाई जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हैं, चिंता न करें, आपके बैंक खातों की सूची बनाने के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं, सूची मिलते ही आपके खातों में 1,000 रुपये जमा किया जाएगा जिसे आप दैनिक ज़रूरतों के लिए उपयोग कर सकेंगे। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता के लिए राहत का काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो दूसरे जिलों में फंसे हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, सरकार उनके बैंक खातों में भी 1,000 रुपये डालेगी। तो इस प्रकार से जानकारी है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, आप सभी को पता है, आप उस वेबसाइट पर जाकर के किसान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख सकते हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकारें की योजना हो। तो इस प्रकार से जानकारी थी, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।